तो हेलो गाइज, अगर आपके विंडो 10 में लैग आता है बहुत सारा, तो आप अपने विंडो 10 के लैग को कैसे फिक्स कर सकते हैं, और मैंने अपने विंडो 10 के लिए लैग फिक्स करने के लिए कौन से सेटिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं टेकमैन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपनी विंडो 10 को फास्ट करने के लिए अपने पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का, इसे आपको ऑफ कर देना है और इसके बाद आपको इसे कट कर देना है। इसके बाद आपको अपने सेटिंग्स पर आ जाना है। इसके बाद आपको अपनी विंडो 10 को अपडेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे विंडो 10 जो है यहाँ पे फुली अपडेटेड है। तो आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इन्हें आपको बंद कर देना है, क्योंकि जब भी आप पीछे कोई जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे गेम खेल रहे होंगे या कोई भी आप काम कर रहे होंगे, तो आपके यहाँ पे विंडो अपडेट जो है ऑटोमेटिकली नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको इसे ऑफ कर देना है और आपको महीने में या 2 महीने में आपको इसे अपडेट करते रहना है यहाँ पे मैन्युअली जाकर। तो इसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे अलाउ डाउनलोड्स फ्रॉम अदर पीसी, इसे आपको ऑफ कर देना है। और इसके बाद आपको इसे सेटिंग्स को कट करना नहीं है। इसके बाद आपको वापस से होम पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद वापस से आपको यहाँ पर सर्च करना है नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग्स आ चुकी है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इसे आपको ऑफ कर देना है और इसके बाद आपको इसे कट कर देना है सेटिंग्स को। इसके बाद आपको अपने कंट्रोल पैनल पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है जो आपके लिए लगता है कि बेकार है, उसे आप जरूर से यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपकी विंडो 10 की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। इसे आपको कट कर देना है प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद आपको अपने दिस पीसी पर क्लिक कर देना है। दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पर आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है परफॉर्मेंस में। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम पर क्लिक कर देना है या फिर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट, इसे आपको ऑन कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे शो थंबनेल्स वाला जो है ये ऑप्शन है, इसे आपको ऑन कर देना है। दोनों के ऊपर टिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको अपने विंडो 10 के पावर ऑप्शन को चेंज करना है। तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे पावर लिखना है। पावर एंड स्लीप सेटिंग्स आ चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिशनल पावर सेटिंग्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस मैंने ऑन किया हुआ है। तो आपके विंडो 10 में ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होगा, इसे आपको CMD से ऑन करना पड़ेगा। तो इसे कैसे ऑन करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले वापस से आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसे रन एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कर लेना है। रन एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करने के बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक कमांड दे दूंगा, उस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये वो कमांड है, इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कमांड को कॉपी करने के बाद आपको इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पर और इसके बाद आपको एंटर पर प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑन हो चुका है। और इसके बाद वापस से आपको सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पे आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद इसे आपको कट कर देना है। और इसके बाद आपको आ जाना है टास्क मैनेजर के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टार्टअप का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी एप्लीकेशन दिख रही हैं ये आपके विंडो ऑन होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपने विंडो स्टार्ट होते ही इन सॉफ्टवेयर को ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं ऑन करना है तो आप इसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसे मैंने डिसेबल कर रखा है। और यहाँ पे ये ऑडियो वाला मैनेजर है, इसे मैंने अनेबल कर रखा है। आपके भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके हिसाब से आपको इसे डिसेबल कर लेना है और इसके बाद इसे आपको जो है कट कर देना है। और इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपको फिर भी लग रहा है कि आपकी विंडो 10 की जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुई है, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने कंप्यूटर के लिए जो है ओरिजिनल विंडो 10 को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको विंडो 10 को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल विंडो 10 मिल जाएगी, वो भी फ्री में। इसकी एक्टिवेशन की और सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसकी डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप अपने विंडो 10 को डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 10 को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसकी मैंने वीडियो यहाँ पे बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी।
लिंक पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि कैसे विंडो 10 को ओरिजिनली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। आपको अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर लेना है। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे आप टास्क मैनेजर पर जाकर देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो मेरे को अपने कंप्यूटर के लिए न्यू मेमोरी लगानी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।